हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉकों पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें अभी तक दोस्तों हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा मिला है। और दोस्तों बात करें जब स्टॉक की प्राइस ओनली हमें 1000 के आप उसमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहां से आप लोग को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों 1000 का स्टॉक हमें 2800 रुपये के आप उसमें देखने को मिला था और वहां से इस स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से इसका प्राइस हमें फिलहाल 2300 के अप्रोक्सीमेट में यहां पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों फ्यूचर में फिर से इसका प्राइस हमें काफी आगे जाती हुई देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस स्टॉक से हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पिछली 1 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ है, यहाँ पे हमें रफली 5% के अप्रोक्सीमेट मुनाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में यहाँ पे हमें रफली अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 2% के अप्रोक्सीमेट में गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि कोई खास गिरावट है नहीं। हालांकि बात करेंगे पिछले 1 साल का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक में अभी भी हमें यहाँ पे 30% के अप्रोक्सीमेट मुनाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल में इसका प्राइस हमें एक ही रेंज में फिलहाल हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग के सामने में कोई खास गिरावट इस स्टॉक में हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे पिछले 1 साल में 30% के अप्रोक्सीमेट हमें यहाँ पे मुनाफा ही देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस ग्राफ का, तो यहाँ पे 260% से एबव का मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा खासा है। और दोस्तों बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस ग्राफ का, तो दोस्तों स्टॉक हमें 2090 में लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है और वहां से अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें मुनाफा देखने को मिला है और आगे भी इसमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की रिगार्डिंग, स्टॉक अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें काफी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में यहाँ पे 30% से एबव का हमें खरीदारी होते हुए देखने को मिला, जो कि अपने आप में हमें काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें इसका इनकी 52 वीक लो एंड हाई का, तो स्टॉक ओनली 2800 रुपए के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था पिछले साल, वहां से इस स्टॉक ने 2820 रुपए के आपस में हाई शो किया है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा खासा है। तो दोस्तों बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 10 रुपए देखने को मिल रहा है, जो कि बात करें इसका क्वार्टर का रिजल्ट का दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट शो किया है पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग। हालांकि बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे दोस्तों हमें 67% से एबव का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा खासा है। और दोस्तों बात करें तो इस साल कंपनी ने डिविडेंड भी काफी अच्छा खासा दिया है, जो कि आप लोग के सामने में यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों बात करें क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे हमें कोई प्रमोटर का शेयर यहाँ पे प्लेस हमें नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग एवरी गिरावट के ऊपर इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में फिर से काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो रिजर्व फंड सरप्लस का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें पिछले साल के अकॉर्डिंग, तो इस साल हमें काफी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे रिजर्व फंड सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे हमें एकदम से 0 फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का दोस्तों। हालांकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का कोई खास फिगर है नहीं दोस्तों। और दोस्तों बात करेंगे फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी यहाँ पे हमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे फिक्स एसेट का फिगर भी हमें देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी यहाँ पे काफी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे सेक्टर के पीरियड का दोस्तों, तो यहाँ पे 41 के अप्रोक्सीमेट में देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पीरियड से इस स्टॉक का पीरियड हमें काफी निचले स्तर पे देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों जो इसका प्राइस है वो भी काफी अट्रैक्टिव है, तो आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में इसका प्राइस फिर से काफी आगे जाती हुई हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो
काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें रेवेन्यू का ग्राफ देखने को मिल रहा है। एवरी ईयर कंपनी काफी इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू का फिगर शो किया है। हालांकि बात करेंगे नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है और पिछले 5 ईयर का यहाँ पे फिगर है। एवरी ईयर कंपनी काफी इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक यहाँ पे प्रॉफिट का फिगर भी शो किया है। हालांकि बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने सेल्स में कितना फिगर शो किया है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर फर्स्ट में यहाँ पे सेल्स में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिला था, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। हालांकि बात करेंगे इस स्टॉक में FII की होल्डिंग है, DII की होल्डिंग है, उससे पहले बात करें प्रमोटर का, तो यहाँ पे 68% के अप्रोक्स में हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा खासा है। और दोस्तों बात करेंगे FII की होल्डिंग का, तो काफी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे DII की होल्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे 17% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में काफी अच्छा खासा है। आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में फिर से काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करेंगे अगर यहां से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस हमें फिर से 2000 के अप्रोक्स में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 3000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, स्टॉक अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें काफी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू, बाय।